नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं दीपांश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब में। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं वायरमैन ट्रेड से आईटीआई के बाद आपको जॉब कहां कहां मिल सकती है और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको वायरमैन ट्रेड की इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं वायरमैन ट्रेड के बारे में। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि वायरमैन, जैसा कि नाम से इसमें दिखाया गया है कि वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन के जो कार्य होते हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो वायरमैन के लिए स्पेशल रखे जाते हैं, जैसे वायरिंग करना या फिर और भी जो कार्य हैं जो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कार्य हैं जो वायरमैन के, उन कार्यों को करना वायरमैन का मुख्यतः कार्य होता है। जहाँ तक इसकी योग्यता की बात करें, अगर आपने 8वीं पास कर लिया है तब भी आप आईटीआई की इस वायरमैन ट्रेड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इसमें प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन मेरा एक विशेष सुझाव है कि आप 10वीं के बाद प्रवेश लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, करियर विकल्प आराम से निकलते जाएंगे। जहाँ तक बात करें आयु सीमा की, तो वायरमैन ट्रेड या फिर आईटीआई की कोई भी ट्रेड हो, उसके लिए उम्र सीमा का जो निर्धारण किया गया है वो 14 वर्ष से 40 वर्ष, यानी अगर कम से कम 14 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष की योग्यता तक आप आईटीआई कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रदेशों ने इसकी बाध्यता अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया है, यानी आप आईटीआई किसी भी एज में आप कर सकते हैं। वैसे ही आपका वायरमैन ट्रेड है जिसकी प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष की अवधि है और ये SCVT और NCVT दोनों के द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन ज़्यादातर ऐसे प्रदेश हैं वहाँ पर ये SCVT ट्रेड संचालित की जाती है जो कि राज्य सरकार के अंडर में आता है। अगर बात करें इसके बाद में जॉब की, तो बहुत ही अच्छा जॉब इसके माध्यम से आपको मिल सकता है। आपको रेलवे में इसकी बहुत अच्छी खासी वैकेंसी निकलती रहती हैं। फिलहाल इस समय वर्तमान में वैकेंसी रेलवे की नहीं निकल रही हैं, लेकिन वायरमैन ट्रेड से आईटीआई करने के बाद आप रेलवे में, आर्मी में, पावर प्लांट में, कोल इंडिया में, थर्मल प्लांट में, भेल में, गेल में, सेल या जो मिनी रत्न कंपनियाँ हैं वहाँ भी वैकेंसी निकलती रहती हैं। बिजली विभाग में इसकी अच्छी खासी वैकेंसी निकलती है। नगर निगम व और भी जो भारत सरकार की उपक्रम और जो हैं उसमें भी समय समय पर वायरमैन ट्रेड की विशेष करके जॉब निकलती हैं जहां पे आप जॉब पा सकते हैं। चीज़ विशेष तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि वायरमैन ट्रेड की विदेशों में भी अच्छी खासी मांग है। अगर आप वायरमैन ट्रेड से विदेश में भी करियर बनाना चाहते हैं तो आपको आसानी से विदेश में, चूँकि बहुत सारी कंट्री हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको उल्लेख कर दूंगा, वहाँ भी आप आराम से जॉब पा सकते हैं। रही बात इसकी सैलरी की, स्टेट गवर्नमेंट अथवा राज्य गवर्नमेंट किसी में भी आपका, अगर सरकारी में आपका चयन होता है तो वहाँ पे आपका 1800, 1900 या 2000 ग्रेड पे से स्टार्टिंग होती है, जिसमें से आपको लगभग 25,000 से 30,000 तक आपकी आराम से बेसिक सैलरी मिल जाएगी। बात करें प्राइवेट की, तो प्राइवेट में आपको 8, 9, 10 से स्टार्ट होती है और आप आगे तक, काफ़ी आगे तक इसमें जा सकते हैं। तो जहां तक उम्मीद है कि छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको वायरमैन ट्रेड का पूरा क्राइटेरिया हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।